वेलकम बैक एवरीवन। आज इस एपिसोड में कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात करेंगे। देखो, कल्याण ज्वेलर्स का ना आई बटन में एक वीडियो आएगा जहाँ पे मैंने इसके वैल्यूएशंस और फंडामेंटल्स को डिस्कस किया हुआ है। तो Q3 के रिजल्ट्स आएंगे तो उस पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वार्टरली अपडेट आया है इन लोग का। द रिसेंटली कंक्लूडेड क्वार्टर हैज बीन अ वेरी सैटिस्फाइंग वन, हैविंग विटनेस्ड कंटिन्यूड रॉबस्ट मोमेंटम इन बोथ फुटफॉल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फुटफॉल में जो इनका मोमेंटम बना रहा है वो बहुत अच्छा है। रेवेन्यू अक्रॉस ऑल आवर मार्केट्स इन इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट, वी हैव अचीव्ड द पॉजिटिव ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस डिस्पाइट मल्टीपल हेडविंड्स ड्यूरिंग द क्वार्टर, सच एज एक्सट्रीम वोलेटिलिटी इन गोल्ड प्राइसेस, हाई नंबर ऑफ शार्ट डेज कंपेयर टू प्रायर ईयर, फ्लैश फ्लड्स इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु व्हिच अफेक्टेड रिटेल सेल्स फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, बट डिस्पाइट दैट दे हैव concluded a good quarter. तो ये एक बहुत अच्छा point है certainly. And देखो, एक अच्छी management का benefit यही होता है कि जितने भी problems आते हैं ना वो उनको अच्छे से deal कर पाते हैं. But what's next for the stock price के perspective से बात करेंगे, इसको हटाते हैं एक बार. देखो, last time हम लोगों ने क्या discussion किया था कि अगर इसके ऊपर sustained closing मिलने लग जाती है 351 के ऊपर, there are chances stock will move all the way up to 403. आज ये अर्निंग का गाइडेंस आया तो इसकी वजह से भी, अगर आप थोड़ा सा गाइडेंस नहीं आया सॉरी, अगर आप इसकी वजह से भी थोड़ा सा देखोगे तो आज के दिन पे एक मोमेंटम देखने को मिला। बट वॉल्यूम वॉल्यूम सेज अ लॉट, डिप पे वॉल्यूम ज्यादा था, ब्रेकआउट पे वॉल्यूम कम है। ये थोड़ा सा इंडिकेशन है जो आपको लेना चाहिए, समझना चाहिए। देखो, 403 रुपए तक अगर आप पोजिशन बना रहे हो देन इट इज ऑल राइट, बिकॉज यहाँ से आपका स्टॉप लॉस बहुत पास में है, 351 के लेवल पे है। बट अगर आप लंबा रखना चाहते हो इस स्टॉक को तो आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन के एंड पे ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री का पी 33 होने के बाद भी स्टॉक जो है 74 के पी पे है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स की 11% है, कोई एक्सेप्शन ग्रोथ नहीं है, और 5 ईयर्स में 6% है। हाँ, IPO स्टॉक है, इस वजह से थोड़ी सी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बट डिस्पाइट एवरीथिंग आपको ये फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। एक बार एनुअल रिपोर्ट्स आने दो तो चीज़ें बेटर होंगी। दूसरी चीज़, गोल्ड के केस में अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो, देखो मैं इसमें पर्सनली इन्वेस्टेड नहीं हूँ इसलिए मैं इसका डेटा इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करता हूँ, बट यू शुड लुक फॉर द प्राइसेस एट विच दे आर होल्डिंग देयर गोल्ड। तो इनकी इन्वेंट्री किस भाव पे है वो आपको देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुक वैल्यू से अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक 10 है, तो मुझे लगता है इस समय पर फुली प्राइस ना कल्याण ज्वेलर्स 12-13% का यहाँ से अपसाइड है अगर 400 रुपये तक, तो वो यहाँ पे और हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। बट कहीं ना कहीं एक लेवल पे हमें लगता है ये जो जोन बनेगा ये कंसोलिडेशन ना बने, 403 से लेके 350 का जोन, तो इसको आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, समझना चाहिए। बट विद दैट सेड, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अगर आपने थोड़ा सा वैल्यूएशन ऑन प्रीवियस क्वार्टर्स को जानना है तो मैंने दोनों ही वीडियो जो है आई बटन में डाल दिए, प्लीज हैव अ लुक एट देम। With that said, thanks for watching.